दोस्तों, आज से कुछ साल पहले भारतीय बाजार में एक काफी अफोर्डेबल गाड़ी हुंडई ईऑन आया करती थी, लेकिन करंट टाइम में दोस्तों ये जो गाड़ी है डिसकंटिन्यू हो गई। जो भी लोग मार्केट में ऑल्टो लेने जाते थे, वो लोग उसको लेने से पहले एक बार ईऑन जरूर देखते थे, और ये गाड़ी ऑल्टो के मुकाबले ज्यादा लग्जरीनेस देती थी। लेकिन आखिर क्यों इतनी अच्छी गाड़ी को हुंडई मोटर्स ने भारतीय बाजार से डिसकंटिन्यू कर दिया, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको उसका रीजन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो में यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब कर लें, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो पहला रीजन बनता है इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करने का, ब्रांड रेपुटेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आजकल में इंडिया जो मार्केट में कार्स आ रही हैं, वो अपनी कार के ब्रांड को ब्रांड बनाना चाहती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे BMW, तो सुन के लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी है। आप देखो स्कोडा, भाई अच्छी कंपनी लगती है। नाम आता है मारुति का तो लगता है कि हाँ भाई आम आदमी वाली गाड़ी है। लेकिन यही काम हुंडई नहीं करना चाहता। हुंडई चाहता है कि दोस्तों उसकी कंपनी को लोग प्रीमियम कार ब्रांड की तरह देखें। तो अगर उनको अगर एक प्रीमियम कार ब्रांड बनना है तो अपनी सस्ती गाड़ी को सबसे पहले हटाना पड़ेगा, और ये काम पहली बार नहीं हो रहा है इंडियन मार्केट में। इसके पहले मारुति सुजुकी ने भी अपने दो शोरूम खोले। जैसे कि अगर आप मारुति में नेक्सा के शोरूम में जाओगे तो आपको प्रीमियम गाड़ियां मिलती हैं, जैसे कि एक्सल 6 हो गई और एस क्रॉस हो गई। वही अगर आप मारुति सुजुकी अरीना में जाओगे तो बजट गाड़ियां बेचते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, अपने ब्रांड को प्रीमियम दिखाने के लिए इन्होंने सबसे पहले इसको डिसकंटिन्यू किया। दूसरा रीजन दोस्तों ये था लो सेल्स मार्जिन। दोस्तों जैसा कि मालूम है अंडर 5 लाख रुपीस में जो गाड़ियां आती हैं सरकार उनमें बहुत ज़्यादा छूट देती है, और जिसके वजह से कंपनीज का जो मतलब कमाई नहीं होता है बहुत कम हो जाता है। अब इंडिया में इकलौती ऐसी ब्रांड है मारुति सुजुकी जो कि अपने ऑल्टो को लेकर बैठी हुई है, इसमें प्रॉफिट कम बचता है, लेकिन हाँ एक परिवार को कार मिल जाती है सस्ते में। तो हुंडई ईऑन वाला ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने इस गाड़ी को निकाल दिया और उसमें प्रॉफिट बहुत कमा रहा था। नंबर तीसरा रीज़न यह है दोस्तों भारतीय नॉर्म की सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि हुंडई ईऑन सेफ्टी में पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। लेकिन हाँ, सेफ्टी के फेल होने के बाद भी ये गाड़ी बिक सकती थी, क्योंकि आप देखा जाए तो बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं इंडियन मार्केट में जो 0 स्टार फ्री बिक रही है। जैसे कि 8 लाख की स्विफ्ट देख लो, एस्प्रेसो देख लो, कई गाड़ियां हैं ऐसे मार्केट में जो कि फिर भी सेल हो रही हैं। तो हुंडई ईऑन को भी रहना चाहिए था, आम आदमी के लिए एक लग्जरी गाड़ी थी छोटे में। ओवरऑल दोस्तों ये 3 रीज़न है कि क्यों हुंडई ईऑन भारत से क्विट कर गई। और आपको क्या लगता है, हुंडई ईऑन क्या दोबारा से हुंडई को दोबारा से भारत में लाना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब ऑटो हब।